मॉब लिंचिंग, जहां पर एक भीड़ किसी भी तरह के नियंत्रण से बाहर होके कानून अपने हाथ में लेके किसी भी वारदात को अंजाम देती है। चाहे हम किसी भी तरह का वाद विवाद कर लें, पर हम मॉब लिंचिंग को सही साबित नहीं कर सकते हैं। ये देश कानून पे चलता है और हमारे समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कानून ही सबसे ऊपर हो, वरना इस तरह की घटना आपके साथ भी हो सकती है। चाहे कोई कुछ भी करे, चोरी, मर्डर या और कोई वारदात, फिर भी हमारे देश का कानून हमें ये अधिकार नहीं देता कि हम क्रिमिनल को पीट पीट कर मार डालें। अगर ऐसी घटनाएं सच में हो रही हैं तो हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम लोग सच में एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसी हरकतों से तो कभी भी नहीं। मॉब लिंचिंग को आपकी किसी धर्म, जात पात, अमीर गरीब से मिलाकर नहीं देखना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। कैसे बचें? अफवाहों पे ध्यान ना दें, कानून का सहारा लें। पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने इलाके के विधायक से कंप्लेन करें। कानून को सबसे ऊपर मानें और इस बात का ध्यान रखें कि जो आज किसी और के साथ हो रहा है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया साइट पे इस तरह की न्यूज़ को बढ़ावा ना दें। आपके विचार से इस वीडियो के विचार अलग हो सकते हैं और ये सही भी है, लेकिन ये देश हमारा है और ये समाज हमारा है। इस देश का हर एक नागरिक हमारा है और इस देश के हर एक नागरिक से हमारा लेना देना है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छी चीज़ों को अपने आने वाली नस्लों के लिए आगे लेके जाएं, ना कि मॉब लिंचिंग को। और अंत में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।